बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के ट्विटर अकाउंट पर कल अचानक से पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की फोटो दिखने लगी। वहीं उनका प्रोफाइल बायो भी बदला बदला लगा। कुछ पोस्ट देखकर तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये अमिताभ के द्वारा किए गए पोस्ट हैं। बच्चन के अकाउंट पर हर तरफ लव पाकिस्तान जैसा माहौल था, लेकिन जल्द ही इस बात से पर्दा उठा और पता चला कि बिग बी का ट्विटर अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है। लेकिन बाद में पूरी बात खुलकर सामने आ गई। आखिर किसने बच्चन साहब के अकाउंट को हैक करने की हिमाकत की है? अमिताभ के अकाउंट को रात में हैक करने के बाद हैकरों ने पहले तो प्रोफाइल तस्वीर बदली, फिर उनके ट्विटर अकाउंट का प्रोफाइल बायो भी बदल दिया। साथ ही लिखा, एक्टर चलो, कुछ लोग अभी भी ऐसा कह रहे हैं, पाकिस्तान को प्यार। हैकरों ने इतने ही देर में अमिताभ के ट्विटर अकाउंट से तुर्की और पाकिस्तान से जुड़े पोस्ट भी किए, जिसमें लिखा था, हम तुर्की के फुटबॉल खिलाड़ियों के प्रति आइसलैंड रिपब्लिक के रवैये की निंदा करते हैं। हम प्यार से बात करते हैं, लेकिन हम बड़ी सी छड़ी रखते हैं और आपको यहाँ बड़े साइबर हमले के बारे में बता रहे हैं। अमिताभ के अकाउंट को पाकिस्तान समर्थित तुर्की के तुर्किश साइबर आर्मी आइडलिस्ट टीम ने हैक किया था। ऐसा लगता है हैकर हाल ही में तुर्की के खिलाड़ियों के साथ हुए बर्ताव को लेकर नाराज थे। दरअसल तुर्की की फुटबॉल टीम पिछले दिनों यूरो 2020 का क्वालिफाइंग मैच खेलने आइसलैंड गई थी। वहां पहुंचने के बाद तुर्की के खिलाड़ियों की एयरपोर्ट पर गहन तलाशी ली गई। बताते चले कि अमिताभ बच्चन ट्विटर पर खासे सक्रिय रहते हैं और उनके 3.74 करोड़ फॉलोअर्स हैं। हैक होने के कुछ ही देर बाद अमिताभ के ट्विटर अकाउंट को रिकवर कर लिया गया और हैकरों द्वारा किए गए सभी ट्वीट भी हटा दिए गए। अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट हैक किए जाने के बारे में मुंबई पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि उन्होंने अपने साइबर यूनिट और महाराष्ट्र साइबर टीम को जानकारी दी है। मामले की जांच हो रही है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।